दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाले क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के एक बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक राज्य गुजरात के एक खूबसूरत शहर अहमदाबाद को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर और भारत का सातवां सबसे बड़ा शहरी समूह है जिसकी जनसंख्या लगभग 74 लाख के आसपास है। शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यह शहर अहमदाबाद जिले का प्रशासनिक केंद्र है और 1960 से 1970 तक गुजरात की राजधानी था। उसके बाद राजधानी गांधीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह अहमदाबाद जिले का मुख्यालय भी है। भारत वर्ष में यह नगर का सातवें पर स्थान है। 51 लाख की जनसंख्या वाला यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों गांधीनगर से पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ही हुआ करती थी, जिसे पहले असावल भी कहा जाता था। दोस्तों अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। इससे यह गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की थी। दोस्तों पश्चिम भारत में बसा यह शहर समुद्र से लगभग 149 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों शहर में दो झीले हैं, कांकरिया और वस्त्रापुर, जो कि साबरमती नदी नगर को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी अहमदाबाद। पूर्वी अहमदाबाद में अहमदाबाद का पुराना शहर स्थित है, जिसकी विशेषता खचाखच भरे बाजारों, पोल प्राणी और कई पूजा स्थल है। पोल एक आवास समूह है जिसमें एक विशेष समूह के कई परिवार शामिल होते हैं जो जाति, पेशे या धर्म से जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों 2024 में अहमदाबाद शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 92 लाख के करीब है, जबकि अहमदाबाद मेट्रो की जनसंख्या 9 करोड़ 35 लाख होने का अनुमान है। दोस्तों यहां जाने के लिए सबसे उत्तम समय अक्टूबर से फरवरी तक का है। इसके अलावा 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव में भी जाया जा सकता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल विमान क्षेत्र अहमदाबाद और गांधीनगर को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रदान करता है। यह गुजरात का सबसे व्यस्त तथा भारत का सातवां सबसे व्यस्त विमान क्षेत्र है। यह प्रमुख भारतीय नगरों के साथ विदेशों जैसे कोलंबो, मस्कट, लंदन और न्यूयॉर्क से भी जुड़ता है। दोस्तों इसके अलावा आप इस शहर में मेट्रो, ट्रेन या फिर बस से भी आ जा सकते हैं। दोस्तों अहमदाबाद की लगभग आधी आबादी सूती वस्त्र का उपयोग, अन्य लघु उद्योगों पर आश्रित है। दोस्तों अहमदाबाद की साक्षरता दर लगभग 87% के आसपास है, जो कि यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल भी उपलब्ध है, जिनमें गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेफ्ट यूनिवर्सिटी निर्मा विश्वविद्यालय तथा अहमदाबाद यूनिवर्सिटी कुछ अन्य जैसे फेमस है। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन रहा है। शहर ने खुद को एक तेजी से बढ़ते कपड़ा उद्योग के घर के रूप में स्थापित किया है, जिसने भारत के मैनचेस्टर नाम उपार्जित किया है। दोस्तों 1960 में गुजरात राज्य के निर्माण के बाद अहमदाबाद ने राज्य की राजनीतिक और वाणिज्यिक राजधानी के रूप में प्रमुखता हासिल की, जो कि यहाँ पर कई शॉपिंग मॉल, गगनचुंबी इमारतों और मल्टीप्लेक्स के निर्माण के माध्यम से बदल गया है। दोस्तों अहमदाबाद भारत भर के सबसे विकसित शहरों की सूची में शामिल है। इस शहर को कर्णावर्ती कहा जाता था। इसे लोकप्रिय रूप से अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद को महानगर के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर शांति और शान से भरा हुआ है। दोस्तों इन सभी के अलावा आप अहमदाबाद में घूमने भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी, लाल टोडरमल मंदिर, गिरनार किला और परिमल गार्डन जैसे जगहों को देखने जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो और यह शहर, आप हमें कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।